नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कुत्ते की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। व्हाइट हाउस में उनके कुत्ते ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां तैनात सुरक्षा अधिकारी भी डर के मारे सहम गए, जिसके बाद बाइडेन ने कुत्तों के सीक्रेट सर्विस एजेंट पर हमला बोल दिया। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कुत्ते पालने का शौक काफी महंगा पड़ा। व्हाइट हाउस में आते ही उनके पालतू कुत्ते बेकाबू हो गए। फिर क्या था, इन कुत्तों ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मी भी भाग खड़े हुए। व्हाइट हाउस में अफरा तफरी के बीच बाइडेन के कुत्ते ने अचानक एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमे वो घायल हो गया, जिसके तुरंत बाद सिक्योरिटी सर्विस एजेंट का उपचार करवाया गया। बाइडेन के कुत्तों मेजर और चैंप की हरकतों को देखते हुए उन्हें तुरंत व्हाइट हाउस से दूर डेलावेयर भेज दिया गया। इस मामले में बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, कुत्ते अभी नए वातावरण और नए लोगों के बीच आए हैं, वो अभी पूरी तरह इनके आदि नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति के परिवार का कुत्ता मेजर एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर हैरान हो गया था और उसी की प्रतिक्रिया में उस शख्स को मामूली चोट आई, जिसे बाद में व्हाइट हाउस की मेडिकल यूनिट ने संभाल लिया, जिसके बाद आगे इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस में सुरक्षा कर्मी थोड़े सहमे हुए हैं। स्थिति काबू होने के बाद कुत्तों को डेलावेयर भेजा गया है, जिसके बाद साकी ने कहा कि कुत्तों को डेलावेयर भेजने की योजना पहले ही बन गई थी, लेकिन कुत्ते जल्द ही व्हाइट हाउस लौट आएंगे। जो बाइडेन के प्रवक्ता माइकल लारोस ने कहा, प्रथम महिला 3 दिन के दौरे पर है, इसीलिए चैंप और मेजर को डेलावेयर भेजा गया है, जहां वो पारिवारिक दोस्तों के साथ रहेंगे। कुत्तों को लेकर पहले भी जिल परेशानी जाहिर कर चुकी हैं। व्हाइट हाउस में कुत्तों को सेटल होने में दिक्कत हो रही है। मेजर की उम्र 3 साल है, उसे बाइडेन ने द डेलावेयर ह्यूमन एसोसिएशन से 2018 में लिया था। वहीं चैंप की उम्र 13 साल है, वो अधिक शांत है। वो इस परिवार से तब जुड़ा जब साल 2008 में जो बाइडेन को उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था। व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी सर्विस एजेंट पर हमला होने के बाद बाइडेन के पालतू कुत्तों को डेलावेयर भेजा गया है। व्हाइट हाउस आने के बाद से ये कुत्ते नए लोगों को सामने पाकर उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे और उसी वजह से कुत्ता मेजर ने सुरक्षा अधिकारी को काट कर घायल कर दिया। 3 साल का कुत्ता मेजर राष्ट्रपति जो बाइडेन का दूसरा कुत्ता है, जो पहले भी लोगों पर हमला कर चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।